35,000 के पार बीमारों का आंकड़ा, कोरोना से अब तक 1152 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में अब तक सबसे बड़ी बढ़ोतरी, एक दिन में कोरोना के 1,000 से ज्यादा कुल मरीज सामने आए, कुल संख्या हुई 11,506। गुजरात में नहीं थम रहा है कोरोना का कहर, 326 नए मरीजों के साथ 4,700 के पार हुआ आंकड़ा, अब तक 236 की मौत। दिल्ली में 3,738 हुई कोरोना के मरीजों की संख्या, अब तक 61 की मौत। दिल्ली में प्लाज्मा थेरेपी का पहला मरीज ठीक होकर घर लौटा, कोरोना संकट के बीच सीएम केजरीवाल का दावा, कहा बंद नहीं होगा ट्रायल। यूपी में बड़ी कोरोना के मरीजों की संख्या, अब तक 2,328 बीमार। आगरा में नहीं थम रहा है कोरोना का कहर, मरीजों की संख्या हुई 497, अब तक 14 की मौत। गौतम बुद्ध नगर में भी 24 घंटे में कोरोना के 17 नए मरीज, अब तक 154 बीमार। मुंबई में बीएमसी अधिकारी की कोरोना से गई जान, स्लम इलाके में गरीबों तक खाना पहुंचाने की जिम्मेदारी थी। मध्य प्रदेश में 2,700 के पार पहुंचे कोरोना के मामले, अब तक 137 लोगों की जा चुकी है जान। पूरे देश में 2 हफ्ते के लिए बढ़ाया गया लॉकडाउन, कोरोना की रफ्तार को देखते हुए 17 मई तक जारी रहेंगी पाबंदियां। लॉकडाउन 3 के लिए बनाए गए हैं 3 जोन, कोरोना मामले के हिसाब से रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में बांटे गए हैं देश भर के जिले। 17 मई तक हवाई, रेल और मेट्रो सेवा पर लागू रहेगी पाबंदी, लेकिन ग्रीन जोन में शर्तों के साथ बसें चलाने को मंजूरी। 17 मई तक बंद रहेंगे स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान, मॉल, जिम, सिनेमा हॉल पर भी पाबंदी। सभी जोन में 65 साल के ऊपर के बुजुर्गों के मूवमेंट पर पाबंदी, 10 साल से कम उम्र के बच्चों को भी बाहर निकलने की परमिशन नहीं। यूपी के बांदा में बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली, लॉकडाउन के बीच शुरू हुआ निर्माण कार्य। दिल्ली के जीबी पंत अस्पताल में नर्सिंग स्टाफ का विरोध प्रदर्शन, स्वास्थ्य कर्मियों ने पीपीई किट और मास्क न मिलने के बाद दिखाई नाराजगी। यूपी के बलरामपुर में बेमौसम बारिश ने दी किसानों को टेंशन, खेतों में कटी पड़ी फसल बर्बाद हुई। बिहार जाने वाले 22 मजदूरों को बंगाल के नॉर्थ परगना में रोका गया, फैक्ट्री बंद होने की वजह से पैदल ही घर के लिए लौट रहे थे। झारखंड में घर वापसी कर चुके मजदूरों को मनरेगा के तहत मिलेगा रोजगार, सीएम सोरेन का कैबिनेट की बैठक में लिया फैसला। त्रिपुरा के अगरतला में सीआरपीएफ जवानों ने बांटा राशन, 60 परिवारों को मास्क और कोरोना के से बचने के दूसरे उपकरण भी बांटे गए। राजस्थान के पुष्कर में लॉकडाउन के बीच सरकारी जमीनों पर कब्जा, हरकत में आया प्रशासन, अतिक्रमण करने वालों को किया गिरफ्तार। यूपी के पीलीभीत में बाघ की दहशत, गांव के 3 लोगों को किया घायल, पकड़ने पहुंची वन विभाग की टीम पर भी किया हमला। पंजाब के अंबाला में 9 विदेशी जमातियों को कोर्ट ने 14 दिनों के लिए भेजा है जेल, जमातियों में 8 नेपाल से और 1 श्रीलंका से। दिल्ली के रनौला में स्वास्थ्यकर्मी के पॉजिटिव मिलने से दहशत, परिवार वालों को क्वारंटीन न करने से स्थानीय लोग परेशान। यूपी के एटा में कोरोना से पहली मौत, अलीगढ़ इलाज कराने गई महिला ने तोड़ा दम। पानीपत में लॉकडाउन के बीच नदी पार कराने का झांसा देकर महिला से गैंगरेप, पुलिस ने मामला दर्ज किया, जांच शुरू की। रांची में रिम्स का माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट हुआ सील, टेक्नीशियन में संक्रमण पाए जाने के बाद लिया फैसला। यूपी के बिजनौर से अच्छी खबर, 27 कोरोना संक्रमितों की अस्पताल से छुट्टी हुई, अब शहर में बचे हैं 9 बीमार। किशनगंज के एमजीएम मेडिकल अस्पताल में बनी देश की सबसे बड़ी सैनिटाइजेशन टनल, अब मेडिकल आने जाने वाले हर शख्स की होगी स्क्रीनिंग। पंजाब के लुधियाना में कोरोना पीड़ितों का आंकड़ा बढ़ा, नांदेड़ लौटे 38 लोग पॉजिटिव, कुल संख्या हुई 77। बीएचयू की लैब 3 दिन तक बंद रहेगी, महिला लैब असिस्टेंट की रिपोर्ट आई थी पॉजिटिव। राजस्थान के बाड़मेर में पुलिस की सख्ती, लॉकडाउन में बिना मास्क घूमने वाले 100 लोगों को किया गिरफ्तार। एमपी के रीवा में लॉकडाउन के बीच बिना पंडित के हुई शादी, सोशल डिस्टेंसिंग का रखा गया ख्याल। मध्य प्रदेश के भोपाल से रवाना हुए प्रवासी मजदूर, 70 लोगों को बसों से झांसी भेजा गया। फंसे हुए और प्रवासी मजदूरों को लेकर निकली पहली ट्रेन, केरल के भुवनेश्वर के लिए रवाना। जयपुर में फंसे लोगों को भी जल्द किया जाएगा घर वापस, पटना के लिए प्रवासी मजदूरों को लेकर निकली ट्रेन। लखनऊ में पुलिस वालों के लिए मंगवाई जा रही है 10,000 पीपीई किट, 33 फ्रंटलाइन पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव। साउथ दिल्ली में भी डीसीपी का पुलिसकर्मियों को एहतियात बरतने का मैसेज, अब तक 45 कर्मी हो चुके हैं पॉजिटिव। राजस्थान के धौलपुर में फैक्ट्री बंद कराने को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष, 7 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, पुलिस पर भी पथराव। मध्य प्रदेश के खंडवा में 4 जमातियों के खिलाफ केस दर्ज, जानकारी छुपाने के एवज में लगाई गई है आपराधिक धाराएं।
मध्य प्रदेश के सीहोर में एक शख्स पर जमीन पर थूकने को लेकर काटा गया चालान, जुर्माने के तौर पर थमाई गई 1000 रुपए की पर्ची। जालंधर के किशनपुरा शमशान घाट पर अंतिम संस्कार को लेकर हुआ हंगामा, लोगों ने कोरोना पॉजिटिव शख्स की बॉडी लेकर आई मेडिकल टीम को बैरंग लौटाया। पटना के नालंदा मेडिकल कॉलेज में एक शख्स की कोरोना से मौत हुई, 26 अप्रैल को कैंसर के इलाज के लिए भर्ती हुआ था। दिल्ली में एक प्रेमिका को लेकर भिड़े दो आशिक, एक निकला कोरोना पॉजिटिव, प्रेमिका समेत दोनों ही प्रेमियों का परिवार क्वारंटीन। ग्रीन जोन में ई कॉमर्स को परमिशन, गैर जरूरी सामानों की भी हो सकेगी होम डिलीवरी। देश भर में बनाए गए 130 रेड जोन, 284 ऑरेंज जोन और 319 पर है ग्रीन जोन की संख्या। मेट्रो शहरों को बनाया गया रेड जोन, दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद समेत पुणे में भी जारी रहेगी सख्ती। लॉकडाउन में फंसे लोगों की घर वापसी के लिए आज से शुरू हुई श्रमिक स्पेशल ट्रेन, गृह मंत्रालय का बयान, रेलवे और राज्य सरकारों पर जिम्मेदारी। राजस्थान के कोटा से महाराष्ट्र के चंद्रपुर में भी पहुंचे छात्र, 3 बसें लेकर आई 53 छात्रों को। महाराष्ट्र के पुणे में एक दिव्यांग ने बेटे को लाने के लिए तय किया 1400 किलोमीटर का सफर, स्कूटर से कराई बेटे की घर वापसी। इंदौर में लॉकडाउन के बीच सैलून खोलने वाले दो लोग गिरफ्तार, चोरी छुपे काट रहे थे लोगों के बाल। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में एक पेड़ पर घंटों बैठे रहा तेंदुआ, किसी को नहीं पहुंचाया नुकसान। झारखंड के रामगढ़ जिले में शराब की भट्टियों पर पुलिस की छापेमारी, भारी संख्या में बॉटल्स को किया गया नष्ट। जालंधर में कोरोना पेशेंट ने खोली अस्पताल प्रशासन की पोल, बोला फोन करके बताने के बाद भी कोई नहीं आया, राजस्थान से लौटा था। रामपुर में नायब तहसीलदार का अर्ली कोरोना पॉजिटिव, संपर्क में सभी लोगों को क्वारंटीन किया गया, जांच के लिए सैंपल्स भी दिए गए। सिलीगुड़ी के मेडिकल कॉलेज में एक आई स्पेशलिस्ट कोरोना संक्रमित, संपर्क में आए 27 मेडिकल स्टाफ क्वारंटीन। तेलंगाना के झारखंड से रांची पहुंचा 1200 मजदूरों का जत्था, रेलवे स्टेशन पर फूलों के साथ स्वागत। राजस्थान के कोटा से कोलकाता के हावड़ा पहुंचे स्टूडेंट्स, मेडिकल चेकअप के बाद घर भेजा गया। पंजाब के अमृतसर से ब्रिटेन के लिए रवाना हुए 271 NRI स्पेशल फ्लाइट से भेजा गया। 6 रूटों पर चलाई जाएगी श्रमिक स्पेशल ट्रेन, तेलंगाना में हैदराबाद के लिंगमपल्ली से हटिया के लिए निकली रेल। 1300 मजदूरों को लेकर लिंगमपल्ली से रवाना हुई स्पेशल ट्रेन, पुलिस के साथ रेलवे स्टाफ ने तालियों के साथ विदाई दी। महाराष्ट्र के चंद्रपुर रेलवे स्टेशन पर रुकी श्रमिक स्पेशल ट्रेन, मजदूरों को खाने और पीने की चीजें दी गई। झारखंड के हटिया पहुंची विशेष ट्रेन, स्टेशन पर हैदराबाद से आ रहे मजदूरों के स्वागत की तैयारी। मजदूरों की वापसी के लिए ट्रेन चलाए जाने का राज्यों ने किया स्वागत, पीएम मोदी को कहा शुक्रिया। रामन में जम्मू श्रीनगर हाईवे पर जबरदस्त ट्रैफिक जाम, लगातार दूसरे दिन लैंडस्लाइड की वजह से फंसी गाड़ियां। सीएम योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मजदूरों से बात की, समस्याओं के बारे में ली जानकारी। वापसी की मंजूरी मिलने के बाद सड़क पर निकले प्रवासी मजदूर, जयपुर में जगह जगह दिखा जत्था। सूरत में ट्रेन शुरू होने को लेकर स्टेशन पर शुरू हुई हलचल, प्लेटफॉर्म पर लगाए गए बैरिकेड, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए बनाया गया निशान। देश में अब तक कोरोना के 35,000 से ज्यादा मामले, पिछले 24 घंटे में सामने आए 1755 मरीज। एमपी के इंदौर में भी पहुंचा छात्रों का जत्था, कोटा से 38 छात्रों को बस लेकर आए। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायक विशेष रवि में कोरोना संक्रमण, एमएलए का भाई भी पॉजिटिव। दिल्ली में सीआरपीएफ के 12 और जवान संक्रमित, 200 जवानों की रिपोर्ट का इंतजार। दिल्ली के आजादपुर मंडी में कोरोना संकट को देखते हुए 2 मेडिकल टीमें बनाई गई, अब तक कोरोना के 16 केस। दिल्ली के ओखला मंडी में भी 2 दिन के लिए उसे बंद किया गया, सैनिटाइजेशन के बाद खोली जाएगी। कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में 3 मई को एयरक्राफ्ट से फूल बरसाएगी भारतीय वायुसेना, सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने दी जानकारी। पंजाब के लुधियाना में एक बार कार में जबरदस्त आग लगी, देखते ही देखते बीच सड़क पर धुआं धुआं हुई गाड़ी। निजामुद्दीन मरकज मामले में जांच कर रही क्राइम ब्रांच के 2 और पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल में वायरस का संक्रमण। कोटा से छात्रों को लाने के लिए दिल्ली से रवाना हुई बसें, मजदूरों की वापसी के लिए राज्यों से बातचीत जारी। बिहार के बच्चों को घर भेजेगी राजस्थान सरकार, ऑन पेमेंट बस की होगी सुविधा। मध्य प्रदेश के किसानों को शिवराज सिंह चौहान की बड़ी सौगात, खाते में 2900 करोड़ रुपए की रकम ट्रांसफर। बिहार में कोरोना के 16 नए केस के साथ 466 पर पहुंची मरीजों की कुल संख्या, 2 लोग गंवा चुके हैं अपनी जान।
महाराष्ट्र के नांदेड़ से पंजाब लौटे श्रद्धालुओं ने बढ़ाई अमरिंदर सरकार की टेंशन, अब तक 148 लोग संक्रमित। महाराष्ट्र से 3500 श्रद्धालुओं का जत्था लौटाया पंजाब, सूत्रों के मुताबिक कई लोग बिना स्क्रीनिंग के घर चले गए। कोरोना को लेकर केंद्र से फिर भिड़ी ममता बनर्जी, कहा राज्य में सिर्फ 4 रेड जोन, दिखाई दिए हैं 10। कोरोना संकट के दौरान बेंगलुरु के एक अस्पताल में लगा रोबोट, मरीजों की शुरुआती जांच की जिम्मेदारी। लखीमपुर खीरी में राज्य कर्मचारियों ने दिन में मोमबत्ती जलाकर प्रदर्शन किया, दिए बंद किए जाने पर जताया विरोध। सूरत में लॉकडाउन के बीच शुरू हुआ हीरों का कारोबार, हांगकांग भेजे गए 10 कंसाइनमेंट। एमपी के बुरहानपुर में स्वयंसेवकों ने पेश की अनोखी मिसाल, कोरोना योद्धा सफाई कर्मचारियों के पैर धोकर उतारी आरती। अलवर में धूप में धरने पर बैठकर मजदूरों ने किया विरोध प्रदर्शन, 2 महीने से नहीं मिला है वेतन। समस्तीपुर में पीएम मोदी के हमशक्ल ने कोरोना को लेकर फैलाई जागरूकता, हाथी पर सवारों को लोगों को जानकारी दी। पश्चिम बंगाल के बांकुरा में मजदूरों ने किया प्रदर्शन, बकाया वेतन की मांग को लेकर हल्ला बोल। पंजाब के फरीदकोट में पुलिस का अनोखा तरीका, लॉकडाउन तोड़ने वालों का फूल माला से कर रहे हैं स्वागत। मुरादाबाद में जमीनी विवाद में खुनी संघर्ष, 2 गुटों में फायरिंग, 1 की मौत। हिसार में पुलिस ने नष्ट की कच्ची शराब, 3 लोग गिरफ्तार, छापा मारने गई टीम पर हमला। दुनिया में अब तक कोरोना से 2,39,000 से ज्यादा मौत, 34 लाख से ज्यादा लोग बीमार। अमेरिका में जारी है कोरोना का कहर, मरने वालों की संख्या 65,000 के पार, बीमारियों की तादाद भी 11 लाख पार। इटली में भी नहीं थम रहा है कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा, अब तक 28,000 से ज्यादा की मौत। ब्रिटेन में 27,000 पार हुई मरने वालों की संख्या, अब तक 2 लाख से ज्यादा बीमार। स्पेन में 24,000 से ज्यादा लोग गंवा चुके हैं जान, कोरोना के मरीज करीब 2.5 लाख। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।